रानी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सागर की शादी मैंने करवाई है? मैंने इसके पीछे पॉलिटिक्स की? एक देहाती लड़के के साथ मेरे बेटे की शादी करवाकर मुझे क्या मिलेगा? राजनीतिक तौर पर मेरा इससे क्या फायदा होगा, आप ही बताइए। रानी जी, आपको एक बार तो इस मामले में मुझसे बात कर लेनी थी, फिर जाकर विरोधी दल को फाइनेंस कर। पर आपने अचानक ये फैसला ले लिया। देखिए भाई, मम्मी जी को कहिए, मीटिंग तो जिंदगी भर चलती रहेगी। 2:05 हो गए, उनको भूख भी लगी होगी ना, और 2 बजे तो उनका खाना खाने का टाइम है। बोलिए ना। पता है मैडम, लेकिन चालू मीटिंग में अंदर नहीं जा सकते। हमारा बीच सब कुछ तय हो जाने के बाद भी अगर आपका बेटा कहीं से किसी लड़की के साथ शादी करके आता है तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा धक्का ही होगा ना। आखिर मैं भी तो लड़की का बाप। निराली जी, आपको मुझ पर थोड़ा तो विश्वास रखना था। आप अंदर नहीं आ सकते। देखिए, हमारे देश में सॉरी कहने के बाद सब माफ हो जाता है, तो मैं आप सब लोगों को सॉरी बोल देती हूँ। और वीरानी अंकल, आपको तो सॉरी के साथ साथ नमस्कार भी। पार्टी में वक्त नहीं मिला था ना। मैंने आप लोगों को इसीलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि 2 बज गए। अरे 2 भी नहीं, 2:10 हो गए, और 2 बजे तो मम्मी जी का लंच का टाइम है। अब सबको भूख लगी होगी ना। चलिए खाना खाने आ जाइए। अरे आप लोग एक दूसरे का चेहरा क्यों देख रहे हो? भाई लंच का टाइम हो चुका है, टिफिन को देखिए, टिफिन को। और वैसे भी हमारे गांव के डॉक्टर कहते हैं कि अगर समय पर खाना नहीं खाते ना, तो हमारी नसों में जो खून बनता है ना, वो अच्छे से नहीं बनता। और अगर लंच टाइम के बाद खाना खाओ तो एसिडिटी हो जाती है और उससे सर दर्द भी होता है। और आधे एक घंटे की मीटिंग के लिए बीमार होकर 4-5 दिन खराब करना, उससे तो अच्छा है ना कि 10 मिनट निकाल कर अच्छे से खाना खा ले, है ना? और वैसे भी मम्मी जी का शेड्यूल कभी नहीं बिगड़ना चाहिए, बराबर ने? चलिए चलिए खाना खाना। Thank you.
रानी जी, आप यही सोच रही है ना कि मैं यहाँ क्यों आई? ड्राइवर भाई या प्रवीण भाई क्यों नहीं आए? अब मैं क्या करूँ पप्पी जी? प्रवीण भाई तो आ रहे थे, पर पता नहीं वो स्कूटी पे बैठना भूल गए या मैं बैठाना भूल गई, कुछ समझ में नहीं आया। वो तो मैं घर जाऊंगी ना, तब पूछ लूंगी कि क्या हुआ था। मम्मी जी, खाना यहाँ लगाओ। मम्मी जी, खाना लगाओ यहाँ पर। खाना कहाँ निकालो, यहाँ की वहाँ? नहीं नहीं, अब मैडम लंच रूम में खाना खाती। अच्छा, कहाँ है? मैं लंच रूम में जाके खाना निकालती हूँ। हाँ मम्मी जी, आप जल्दी आ जाना। वैसे भी 2:10:15 हो गई, बहुत टाइम हो गया, जल्दी आ जाना। हाँ, खाना निकालती हूँ मैं। मम्मी जी आ जाना। अरे मैडम क्या, आप भी बैठे ना मिस्टर शुक्ला खाना खाने, दो लोगों का खाना लेकर आई। बैठिए बैठिए। नहीं नहीं मैडम, आज मेरा उपवास है। अच्छा, तो मिस्टर शुक्ला आप मुझे फोन कर देते ना, मैं वो आपके लिए मिल्क शेक या एप्पल वेप्पल लेके आती। नहीं नहीं मैडम, फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए, अब बैठ जाइए बैठ जाइए। खाना नहीं खाना तो क्या हुआ, बैठ तो सकते ना, बैठ जाइए। मम्मी जी आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, ये चाहिए। आराम से खाइए। हाँ, कम इन। मैडम वो शाह साहब आए हैं, गांधीनगर वाले। अभी नहीं, बाद में। वो क्या है ना, बाहर वाले तो अपने अपने घर से खाना खाकर आते हैं, और मम्मी जी का भी खाना खाने का टाइम। मैंने खाना नहीं खाया है ना? आपने खाना खाया? ना खाया हो तो आप भी बैठ जाइए, दो लोगों का लेकर आई हूँ, बैठ जाइए बैठ जाती हूँ। वैसे भी मिस्टर शुक्ला ने तो आज खाना खाया नहीं, उपवास है ना उनका। आप गोपाल, मैं आधे घंटे के बाद कैबिन में जाऊंगी, तब उन्हें अंदर भेज दे। अच्छा मम्मी जी, रात के खाने का भी यही होने वाला है? नहीं तो मुझे बता देना, फटाक से डिनर लेके आऊंगी, फटाफट एकदम टाइम पर। प्रवीण भाई, रात को मैं खाना घर पर आकर ही खाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, प्रवीण भाई के कंधे पर बंदूक रखकर आपने मुझ पर गोली तो चलाई। मेरा मतलब है, मुझे जो कहना था वो आपने प्रवीण भाई के जरिए मुझे कह दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, कुछ दिनों तक हम इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट खेलेंगे, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट खेलेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना मम्मी जी? सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा चाट मसाला छिड़को, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहे। चावल चावल चावल।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप यहाँ होते तो कितना मजा आता। मम्मी जी ने तो मेरा हाथ का परोसा हुआ खाना भी खाया। कुछ कहा तुमने? प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दे। क्या ना, मेरा फ्रेंड है राजू, मस्त हैंडसम लड़का है, बहुत अच्छा है, शायर भी है, फोटो मंगवाऊं? जाने दीजिए, हमें क्या, उनकी बेटी है, उन्हें जो ठीक लगे वो करेंगे। और बाप है ना, बाप के लिए तो सबसे बड़ा टेंशन होता है अपनी बेटी की शादी। जैसे मेरे बापूजी को था। चलिए चलिए मम्मी जी, मैं घर जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। बाय, थैंक यू, बाय मिस्टर शुक्ला, कल आपको भी लेकर आऊंगी खाना, उपवास मत रखना कल। चलो। आप यही सोच रहे हो ना कि इस लड़की को मैंने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर भी वो जो खाना लाई थी वो मैंने क्यों खाया? इसका जवाब सिंपल है, हमारे वहां कोई भी पोस्टमैन पोस्ट लेकर आता, हमें सिर्फ हमारी पोस्ट से मतलब रहता, कौन लाया कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ना तो उसे फाड़ते और ना ही वापस भेजते, समझे? राइट मैडम, एब्सोल्युटली। मैं ले लेती हूँ। अरे मैं आपको रास्ता क्रॉस करवा देती हूँ, आइए। ट्रैफिक है बेटा। हाँ आइए आराम से। वैसे बाप, इतना भारी सामान लेकर आप अकेली क्यों निकली, किसी को साथ लेकर आती? किसे लाती बेटा? साथ लाने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। क्यों,
आपका कोई नहीं है? है ना, दो बेटे हैं, दो बहुए हैं, अरे उनके तीन बच्चे हैं, लेकिन सब अमेरिका में। बस अमेरिका जाते ही बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, और तेरे दादाजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए। बाप, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि सारा जहां मिल गया आपको। एक मिनट बाप, इसे जरा पकड़ी, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आई हाँ बाप, रुकना। बा, ये मेरा फोन नंबर रखिए, और आपको कोई भी काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। मैं आपके सामने वो चमत्कार होता है ना, ऐसे सब कुछ हाजिर कर दूंगी। इतनी अच्छी है बेटा, अगर तेरे जैसे लोग मिल जाए ना, तो 2-4 दिन जिंदगी और जीने का मन करता है। बाकी तो संभाल के जाना। हाँ बा, चलो, जय अम्बे। जीती रहे बेटा, खुश रखे भगवान। बाद में मिलेंगे, हाँ आराम से जाना। हाँ बेटा हाँ। ये बेटी थी ना, तो मैं रास्ता क्रॉस कर सकूं। आगे सिग्नल तक। बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ, आओ आराम से। मोटू बैठ गए? मजा आ रहा है ना बच्चों? तेज चलाऊं क्या? नहीं नहीं, चलो चलो, आराम से उतरना। थैंक यू दीदी। पर मैं थैंक यू ऐसे नहीं लेती, तो पप्पे के साथ लेती हूँ। ओके। बाय। अरे पल्लवी, ऑफिस में तो सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इतने सारे सर्वेंट्स होने के बावजूद भी बहू टिफिन लेकर आई। बहू? ओह माय गॉड। एंड यू नो व्हाट, माय मदर इन लॉ अनसुया मेहता का चेहरा तो देखने लायक हुआ होगा। अरे हाँ यार, इवन आई एम वेटिंग कि कब मेरे घर में किटी पार्टी हो और तुम सब लोग उस मही नाम के नमूने से मिलो। हाँ। ओके बाय। ला 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 ला। जीत गई सागर जी। सागर जी, अरे भाभी भाभी। अरे अरे वही वही वही, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी कॉफी में क्या हुआ? सागर जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भाई। तुम तो इस तरह से खुश हो रही हो जैसे मॉम ने तुम्हें कोई इनाम दे दिया हो। ऐसा ही समझो भाभी, मम्मी जी ने मेरे हाथों से परोसा हुआ खाना खाया मेरे हाथों का, ये मेरे लिए किसी इनाम से कम थोड़ी ना है। पूछो क्यों? क्यों भाभी, 2:15 बज चुके थे फिर भी मम्मी जी खाना खाने नहीं बैठी, उनकी मीटिंग चल रही थी ना, मीटिंग पिंकी बहन। पर
फिर मुझसे तो नहीं रहा गया भाई, तो मैं तो धड़ाम से उनके केबिन में घुस गई और मीटिंग वहीं के वहीं रुकवा दी और लंच ब्रेक करवा दिया। व्हाट, तुम चालू मीटिंग में मॉम के केबिन में घुस गई? हाँ तो। अरे यार, ऐसा करने की तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए तो आप सागर हो और मैं मही। और मही, मॉम ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा? ले, उनकी इतनी हिम्मत कि मुझे कुछ बोले? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मिस्टर शुक्ला के सामने मम्मी जी ने मेरी इज्जत रख ली और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। बस एकदम